हाय फ्रेंड्स, हम लोगों को सूचना मिली थी कि सुबह में लोग जंगल काट कर ले जाते हैं। सो इसी सूचना के आधार पे आज रविवार को 5 फरवरी हम लोग जंगल की तरफ गए और अब यकीन नहीं करेंगे हम लोगों ने क्या क्या देखा सुबह में। वीडियो को देखिए। रखिए रखिए, उसको रखिए। कहाँ ले जा रहे हैं? कच्चा सखुआ थोड़ा ना घोरना घोरना है। घोरना नहीं, आराम में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे? आराम से रहिए। कौन है मुखिया यहाँ आप लोग का? वो अध्यक्ष है। अरे अध्यक्ष कौन है वन समिति का? नहीं जानते हैं उसको। मुखिया को फोन कीजिए, बुलाइए तो बोलिए। नहीं है सर, है आराम से, डरने की दिक्कत नहीं है, समझे? नहीं डरना तो पड़ेगा, काहे तुम लोग ऐसे लाता है लकी। आप बताइए कि आज रोज एक तो बच्चेगा जंगल में, ये घोरना घोरने जैसा लकड़ी है, इन लोग को बड़ा होने गाड़ेंगे थोड़ा ना, आते जाने लगा लोगों को। कच्चा काट लिए क्या होगा? कच्चा काहे काट रहे हैं यार? हाँ ये अगर किसी को पूछे हैं, लिखित दिए हैं कि मुखिया को बोले हैं। रख रख, भागना नहीं है, रुकिए रुकिए, भागिए मत। अरे बात करेंगे, रुकिए, भागिए मत। कुछ महिला इस तरह से पेड़ काट कर ला रही थी और हम लोगों को देखते ही लकड़ी छोड़कर वहां से भाग खड़ी हुई और ये महिला रुक गई थी, जिसे हम लोगों ने जंगल का महत्व समझाया। आज अच्छा से बात करके बता दे रहे हैं, नहीं अगला दिन अगर देखिए ऐसा सीधा गाड़ी उठा कर ले जाएंगे। हाँ तो नहीं जाएंगे, बात कर रहे कि आप जाके फिर बोलिए सबको कि कोई नहीं आए, कोई भी कोई दिखाई बोल देंगे। पूरा गांव में बोलिए कि कोई जंगल नहीं। आज अमीर आदमी इलाज करवा लेगा अपना, और आप लोग इस तरह से पेड़ काटिएगा, प्रदूषण होगा, कहाँ से इलाज करवाइएगा? बोलिए, कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। आज वो सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं। लकड़ी गाछ जरूरी है, नहीं रहेगा कैसे सांस लीजिएगा? देखिए तो टांगी रखे कि नहीं, देखिए तो। लेकिन आप घूमने आए तो बता दीजिएगा अगला को कि इधर। बताना है गांव में जाके कि लकड़ी नहीं काटना है इधर। अब इतना मोटा मोटा पेड़ आप काट दे रहे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, लोगों को लगता है कि एक दिन हम जंगल चले गए, पेड़ काट लिया, डाली काट ली, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन देखिए, ये जंगल आपको बाहर से देखने में हरा भरा लग रहा होगा, लेकिन जब हम जंगल के नज़दीक जाते हैं तो आपको जंगल की हकीकत का पता चलता है। ये देखिए किस तरह से इन्होंने जंगल को उजाड़ा है। देखिए खूंटा, ये देखिए दूसरा खूंटा, और एक देखिए इधर भी। तो इस तरह से ये लोग जंगल को उजाड़ते चले गए और ये जंगल फॉरेस्ट, सखुआ का फॉरेस्ट, दातुन फॉरेस्ट बन के रह गया। ये एक पुनर्जन्म होता है एक पेड़ का, मैंने वीडियो लिया था। अब यही छोटे छोटे पौधे जो हैं आपको पता नहीं चलता। देखिए ये इस ये मोटा पौधा था, हुआ होगा एक समय में, अभी सिर्फ इसमें दातुन फॉरेस्ट बच रहा है, सखुआ का दातुन फॉरेस्ट। इसके कॉपीज भी काट लिए गए हैं। अब देखिए, जब आप जंगल आते हैं तो आपके पैरों के नीचे इस तरह के छोटे उगे हुए पेड़ कब दब जाते हैं, मर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से पुनर्उत्पादन में प्रॉब्लम होती है। और ये दो लोग जो हैं आए थे सिल्ली से, टाटी सिल्वे में जंगल काटने के लिए। सोचिए वहाँ जंगल नहीं बचा होगा, काट कर ख़त्म कर दिए होंगे, तभी ये यहाँ आए। इनका भी वीडियो मैंने ले लिया था। इन्हें भी, इनका भी औजार छीन कर हम लोगों ने इन्हें वापस भेज दिया समझा कर। देखिए किस तरह से ये लोग जंगल का दोहन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और जंगल के प्रति लोगों को जागरूक करें ताकि वे छोटे छोटे पौधे को, पेड़ को ना काटें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।